हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक ही होंगे। तो दोस्तों देखिए, मैं जा रही हूँ सोयाबीन की भाजी बनाने। आप देख सकते हैं ये आलू है, दो तीन आलू है छोटा छोटा, ये टमाटर है, ये गरम मसाला और धनिया मिक्स है दोनों, और इसमें लहसुन मिर्चा अदरक और प्याज है। उसको बारीक काट के उसको कूट ली हूँ, क्योंकि बड़ा बड़ा रहता है तो बच्चे लोग खाते नहीं हैं, मुँह में जाता है। और ये हरी धनिया है, तो अभी इसको मैं पहले उसको फ्राई करूँगी आलू को फ्राई करने के बाद सोयाबीन फ्राई करूँगी। इसके तेल डाले हैं, एक साथ थोड़ा ही आलू मैं एक साथ डाल के उसको लाल कर दूँगी, डाल करके निकाल लूँगी। देख सकते हैं जब लाल हो जाएगा तो उसको निकाल लूँगी। निकालने के बाद सोयाबीन लाल करूँगी, उतली जा आप लोग को दिखाती हूँ भी थोड़ा उसको लाल होने से पहले। तो दोस्तों देखिए, आलू और ये सोयाबीन मैंने लाल कर ली हूँ अच्छी तरह से, आप देख सकते हैं। तब इसमें तेज़पत्ता डाली हूँ, इसमें तेज़पत्ता डाली हूँ, और इसमें जो कांदा लहसुन अदरक मिर्चा सब पीस के रखी थी वो डाली है। लाल होने के बाद सब मैं डालूँगी इसमें मसाला टमाटर, जब लाल हो जाएगा तो इसमें डालूँगी सब। लाल होने तक मैं इसको चलाऊंगी अच्छी तरह, आप देख सकते हैं। ये कांदा लहसुन फूटने का मतलब है कि इसमें बच्चे लोग, बहुत सारे बच्चे नहीं खाते हैं, बड़ा रहता है तो खाते नहीं, तो इसलिए मैं कूट के ही बनाती हूँ। कोई भी सब्ज़ी बनाऊंगी तो मैं लहसुन अदरक मिर्चा और कांदा मतलब प्याज कूट के ही बनाती हूँ, तो बच्चे लोग सही से खा लेते हैं। और कोई ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं है, बहुत आसान तरीका है बनाने का, बहुत ही आसान है और बहुत अच्छा भी लगता है बन जाने पे। देखिए अभी दोस्तों मैं लाल होने तक इसको चलाऊंगी, और फिर जब लाल हो जाएगा मसाला डालूंगी तो आप लोगों को मैं दिखाऊंगी, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, मैं इसमें टमाटर डाल दी हूँ, लाल हो गया था तो टमाटर डाल चुकी हूँ, देख सकते हैं।